वेलकम टू खुशी गुड लाइफ फ्रेंड। हम प्लांट तो लगाना चाहते हैं और प्लांट हम खरीद के ले भी आते हैं, खरीद के नहीं लाते तो किसी से कटिंग से ले लेते हैं। लेकिन प्लांट्स लगाने के लिए हमें पॉट्स भी तो चाहिए होते हैं और वो पॉट आते हैं इतने महंगे आते हैं, 50-60 रुपए से नीचे तो कोई भी पॉट नहीं आता। और 50-60 का तो इतना छोटा पॉट आता है, इतना तो हम घर में भी बना सकते हैं और वेस्ट चीज़ों का यूज़ भी कर सकते हैं। और इतनी हमारे पास तो ऐसे ही निकल जाती है, कई चीज़ इतनी वेस्ट निकल जाती है हम उनको फेंक भी देते हैं। तो फेंकने की बजाय आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं और उनमें छोटे से छोटे भी प्लांट लग सकते हैं और बड़े से बड़े भी लग सकते हैं। तो आप उनका रीयूज़ करके या तो पेंट भी कर सकते हैं, ऐसे पॉट है पेंट करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं। देखिए ये कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो हमारे घर में आती रहती है, तो इनको आप काट के और पेंट करना चाहे तो पेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी इनको लगा सकते हैं। और इनमें यहाँ पर नीचे होल कर दीजिए, मैंने तो यहाँ पर ढक्कन खोला हुआ है ताकि इसका पानी निकलता रहे वेस्ट। और यहाँ पे अंदर कपड़ा लगा रखा है मैंने ताकि इसकी मिट्टी बाहर ना निकले। तो आप इस तरह से करके उनमें मिट्टी डाल दीजिए और कोई भी प्लांट लगा दीजिए। बड़े साइज़ की बोतल है तो बड़ा प्लांट लगाइए उसमें, और छोटा है छोटी साइज़ की है तो छोटे भी लगा सकते हैं और कटिंग भी चल सकती है। ये मैंने कटिंग ही लगा रखी है, आप देख सकते हैं ये मैंने कटिंग से ही लगा रखी है और चल भी रही है कटिंग्स यहाँ पर। और ये देखिए कोकोनट शेल है ये, क्योंकि वेस्ट है इसके अंदर अजवाइन लगाई हुई है और अजवाइन की भी मैंने ये कटिंग्स लगा रखी है। और ये है पर्पल हार्ट, पर्पल हार्ट में देख सकते हैं आप, ये वेस्ट हो जाते हैं और इनको हम फेंक ही देते हैं। तो लेकिन ज़्यादा लंबे टाइम तक ना चलेंगे तो कम से कम थोड़े कुछ टाइम तो हमारे निकालेंगे। पॉट नहीं है तो हम इनमें लगा सकते हैं। और ये देखिए वेस्ट ही बोतल है और इनको मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पेंट कर दिया है। और जैसे भी आपको ड्राइंग आती है आप उस तरह से ड्राइंग बना के आप उनमें सजा सकते हैं। और अपनी ये है, हम अपनी एक्टिविटी भी थोड़ा सा दिखा सकते हैं उसके अंदर। बच्चे तो हमारे करते रहते हैं लेकिन हमें भी मौका मिल जाता है थोड़ी सी एक्टिविटी करने का। और ये देखिए शूज़ वेस्ट हो जाते हैं हमारे पास, तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। और इसमें मैंने पर्पल हार्ट लगाया है और ये कटिंग आप काफ़ी अच्छी चल चुकी है, पहले मैंने कटिंग्स लगाई थी और ये कटिंग नहीं है, अब ये प्लांट में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसके अंदर मैंने ये पॉलीथीन लगाई हुई है, अंदर उसमें मिट्टी भरी है तो ये मिट्टी इसके अंदर बाहर नहीं निकलेगी। अगर इसमें हम डायरेक्ट मिट्टी डालते तो ये सारी मिट्टी बाहर आ जाती, तो ऐसा ना करें। अगर इस तरह से शूज़ में आप प्लांट लगाते हैं तो यहाँ पे पन्नी लगा दीजिए, पन्नी नहीं तो कोई कपड़ा ऐसे लगा दीजिए और इसके अंदर मिट्टी डाल दीजिए। तो यहाँ पे ये अच्छा है, ये भी देखिए आप छोटे से डब्बे में भी लग जाते हैं और हमारे पास ये वेस्ट ही हो जाता है। आप पेंट कर सकते हैं इन पे, नहीं तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं ये प्लांट भी लगे हुए और छोटे छोटे जो हमारे वेस्ट हो जाते हैं हम इनको फेंक ही देते हैं, नहीं तो टूटे हुए तो हम यूज़ नहीं करते हैं ना रसोई के अंदर। तो फेंकने से अच्छा है हम अपने गार्डन में इस तरह यूज़ करें। और कोई भी प्लांट आप उनमें लगा दीजिए या तो कटिंग्स लगा दीजिए, और जैसा आप पॉट का साइज़ देंगे वैसे ही आप प्लांट उनमें चलेगा। अगर छोटा पॉट आप देंगे तो छोटा ही रहेगा उसके अंदर, बड़ा अगर आप पॉट से देंगे तो बड़ा रहेगा। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा भरा हुआ है और छोटा सा डब्बा, इसके अंदर हल्की सी मिट्टी है, देखिए पूरी मिट्टी इसके अंदर भरी भी नहीं है, जरा सी मिट्टी में कितना अच्छा चल रहा है पर्पल हार्ट, और काफ़ी अच्छा हो रहा है। और इसमें मैं कटिंग्स भी तोड़ती रहती हूँ क्योंकि इसकी ब्रांच ना लंबी हो जाती है तो मैं कटिंग्स तोड़ती रहती हूँ। और ये मेरी बास्केट काफ़ी पुरानी हो गई है, टूट भी गई है, इसी वजह से मैं इसको छेड़ भी नहीं रही, आप देख सकते हैं हाथ लगाती हैं तो उतना ही ये बास्केट टूटती है। तो इसमें भी इस तरह से आप लगा सकते हैं, कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। और ये इसको मैं छेड़ नहीं रही तो थोड़ी सी इसकी ग्रोथ थोड़ी डल हो रही है, नहीं तो काफ़ी अच्छी चलती है ये वॉन्डरिंग जो है। और इस तरह के आप छोटे छोटे से पॉट्स ले सकते हैं, नहीं ले सकते तो आप इस तरह के कंटेनर में आप लगा सकते हैं। ये देखिए छोटे छोटे ही पॉट्स हैं मेरे पास, इसमें ये लगा हुआ है हमारा मैक्सिकन पेटूनिया वाइट कलर के, इसके अंदर फ्लावर आते हैं। ये देखिए फ्लावर यहाँ पे स्पेंड भी हो चुका है और यहाँ पे कलियाँ खिल रही है इस तरह से। और रियो प्लांट तो कहीं भी लग जाता है, आप छोटे से छोटे कंटेनर में लगाओ, बड़े में लगाओ, इस तरह से बोतल काट के मैक्सिकन पेटूनिया है, इसमें भी वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और ये है मेरे पास ये पाउडर का डब्बा था, इसको मैंने पेंट किया था लेकिन अक्रैलिक पेंट है, लंबे नहीं चलते, ये ख़राब हो गया है। ये देखिए ये धूप में रहती है हमेशा तो ये अक्रेलिक पेंट ख़राब हो गया है। और ये है रियो प्लांट, रियो प्लांट भी काफ़ी अच्छा चल जाता है, कहीं भी आप लगा उसको तो खूबसूरत लगता है। और इसे हम एक प्लांट से काफ़ी प्लांट बना सकते हैं, ये आप देख सकते हैं काफ़ी मैंने यहाँ पे कबाड़ का जुगाड़ किया हुआ है इसके अंदर।
और काफ़ी अच्छे प्लांट भी चल रहे हैं, तो इस तरह से आप उनमें छोटे छोटे से प्लांट लगा सकते हैं। जितने बड़े आप प्लांट लगाएंगे उतने ही बड़े आपको फिर पोट का साइज़ दे लाल सा लगा हुआ है। और ये मेरे पास एक जग था, थर्मस जो चाय का होता है वो था, उसको मैंने काट के इसके अंदर लाल सा की, ये देखिए मैंने कटिंग से ही तैयार किया हुआ है ये लाल सा प्लांट, तो काफ़ी अच्छा इसमें ग्रो हो रहा है और ये काफ़ी अच्छी इसके अंदर ग्रोथ भी हो रही है। और ये है मेरे पास एक बास्केट है, ये टूटी हुई बास्केट है, इसके अंदर वॉन्डिंग जू लगाई हुई है। तो कोई भी आपके किचन में वेस्ट हो जाते हैं तो आप उनको गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास देखिए मटके हैं, मटके हमारे घर में आती रहे, जब हम व्रत करते हैं तो मटकियाँ तो हम लेके ही आते हैं, तो उनको मैंने यहाँ पे देखिए पेंट किया था और पेंट काफ़ी पुराना हो गया है और ये उतरने भी लग गए और मटके भी थोड़ी सी डल हो गई है। और इसमें ये रियो प्लांट लगाया और काफ़ी अच्छा चल रहा है। ये देखिए ये भी एक मटकी है, ये भी काफ़ी पुरानी हो चुकी है मेरे पास। तो इस तरह से आप कोई भी प्लांट लगा सकते हैं। हमें बड़े पोट्स की ज़रूरत होती है या ख़रीदने की ज़रूरत होती है ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके मन में है प्लांट लगाना है, हमें जुनून है, पैशन है, तो आप किसी भी चीज़ का यूज़ करके उसमें प्लांट लगा सकते हैं। और ये है स्पाइडर प्लांट, ये है कोल्ड ड्रिंक की बोतल है और ये भी कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, और इसको मैंने काट के इसके अंदर कटिंग्स लगाई थी। और ये देखिए, और बहुत नाजुक होती है इसके कटिंग, ये प्लांट ना बहुत नाजुक होता है, तो इस तरह से इसकी पत्तियाँ हाथ लगाने पर भी टूट जाती है। और ये भी यहाँ पर भी मटकी है, काफ़ी पुरानी हो गई है ये मटकी, इसके अंदर सुदर्शन प्लांट लगाया हुआ है। और ये है पीछे लगे हुए हैं, आप देख रहे कितने यहाँ पे मेरे ये डब्बे हैं, डब्बे को अभी आप इस तरह से यूज़ करके, ये किचन के तेल के डब्बे हैं और यहाँ पे इस तरह से मैंने इनको पेंट कर दिया है, तो काफ़ी अच्छे ये ग्रोथ हो रही है। और आप देख सकते एक प्लांट के एक पोट के अंदर दो दो मैंने यहाँ पे प्लांट लगाए हैं। ये सुदर्शन का प्लांट तो मैंने लगाया था और ये तो खुद ही अपने आप ही बीज से गिर के ग्रो हो जाता है। ये है मैक्सिकन पिटूनिया, तो काफ़ी अच्छा ये भी लग रहा है। और ये देखिए ये भी है एक चाय का थर्मस है और साइज इसका काफ़ी बड़ा है, तभी ये देखिए आप इसका, ये सुदर्शन प्लांट है और सुदर्शन प्लांट का तना आप देखिए कितना मोटा यहाँ पर हो गया है, काफ़ी मोटा हो गया और काफ़ी बड़ा भी है ये देखिए। और इसके अंदर भी मैंने दो प्लांट लगाए हैं, ये देखिए ये डेविल्स की है, ये डेविल बैकबोन है, इसको भी मैंने कटिंग से ही यहाँ पे लगाया हुआ है। और ये देखिए मैंने अब की बार इसको रिपोर्ट नहीं किया तो यहाँ से ये ईफोरबिया मिली, मैंने ये कटिंग से लगाया था, ये आप देखिए कितना घना हो गया है, काफ़ी घना हो गया है ये। और ये देखिए आप, मैं आपको घुमा के दिखाती, काफ़ी बड़ा हो गया है, इसके अंदर फ्लावर आना अभी बंद हुए हैं और मैंने कटिंग इसी में से लेके दूसरे भी पॉट में मैंने कटिंग्स लगाई है। तो इस तरह से आप कोई भी आप अपने किचन से ले सकते हैं, इस तरह के केन भी निकलती रहती है, हमारे पास ऑयल आता है और खाली हो जाती है तो उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं। इनमें इसमें मैंने सिंगोनियम लगाया है, देखिए कितना अच्छा कलर, इसको मैंने पेंट करके इस पर मैंने ऑयल पेंट किया है, ऑयल पेंट है, काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है, अक्रैलिक पेंट है लेकिन चल जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद वो खराब हो गया। डब्बा है, इसको मैंने पेंट नहीं किया है, इसमें मैंने यूका की कटिंग्स लगाई थी और काफ़ी अच्छी अब ये चल भी रही है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी चल रही है। और इसी के अंदर ये देखिए बीज से ग्रो हो रखे अपने आप ही सीड्स गिर जाते हैं, ये है मुर्गा कलंगी के प्लांट है, अपने आप ही गिर गिर के ये लगे हुए और काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। और ये देखिए ये भी एक तेल का, मेरे पास ये केन थी, याद नहीं है मुझे किस चीज़ की ये केन थी, और इसके अंदर मैंने देखिए यहाँ पे ये सदाबहार लगा हुआ है। ये प्लांट तो कहीं भी लग जाता है, छोटे से छोटे पोट में, बड़े से बड़े पोट में कहीं भी आप लगाओ और खूबसूरत लगता है, बहुत जल्दी इसके अंदर फ्लावर आते हैं, पूरी गर्मी इसके अंदर फ्लावर आते हैं और कभी मरने वाला प्लांट नहीं है। आप इसको भी लगा सकते हैं अपने बोतल्स वगैरह में। और इसी के अंदर मैंने ये ईफोरबिया, ये सॉरी डेविल बैक्स बोन की ये दूसरी वाली वैरायटी मैंने यहाँ पे लगाई है और इसी के अंदर यहाँ पे ये देखिए पर्पल हार्ट लगाया हुआ है। हमारे पास थर्माकोल तो आते रहते हैं, ये कप आए थे इसके अंदर और ये वेस्ट हो गया था, मैंने फेंका नहीं इसको। और इसके अंदर मैंने ये कटिंग्स लगाई थी और कटिंग्स नहीं, अब ये प्लांट बन चुके हैं, मैंने इसको पॉट में लगाना है। अब ये देखिए मुर्गा कलंगी का यहाँ पे अपने आप ही प्लांट ये निकल गया है और काफ़ी निकले हुए हैं, मैं आपको कई जगह दिखाऊँगी, काफ़ी निकल चुके हैं ये प्लांट। ये है इसमें मैक्सिकन पिटूनिया, ये रियो प्लांट है, ये है पत्थर चट्टा है, तो काफ़ी। और इसमें से जेड प्लांट की भी कटिंग लगाई थी मैंने, वो मैंने अपने पोर्ट्स में लगा ली है क्योंकि उसके अंदर रूट बन चुकी थी। और ये उसके बाद फिर मैंने ये छोटी सी थर्माकोल का भी यूज़ कर सकते हैं, उसको फेंके नहीं, इसके अंदर यहाँ इस तरह से प्लांट लगा दें और काफ़ी अच्छे चलते हैं ये प्लांट। ये एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है मैंने काट के और यहाँ पे
सिर्फ पानी में लगाया हुआ है, और पानी में लगाने से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ हो रही है। मैंने कोई मिट्टी में नहीं लगाया है, और आपको रूट नज़र आ रही है तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने पानी में लगाया है, मिट्टी में नहीं लगाया है इसको, सिर्फ पानी के अंदर ही काफ़ी अच्छी इसकी रूट हो गई है। और इस तरह से छोटे कप का भी यूज़ करके आप इनमें छोटे छोटे से प्लांट ये प्लांट हो जाते हैं। ये तो बेबी प्लांट हमारे पास काफ़ी बनते रहते हैं इस तरह से भी। ये देखिए आप, ये पेंट के डिब्बे आते हैं, आप उनको पेंट भी कर सकते हैं बाहर से, नहीं तो इस तरह भी लगा सकते हैं आप इसमें। और ये स्नेक प्लांट लगा हुआ है, और ये है छोटा सा ही किचन का ही ये डब्बा था, ये वेस्ट हो गया था तो मैंने इसको यहाँ पे अपने गार्डन में इस तरह से यूज़ कर लिया है, पेंट कर दिया है। और पेंट करने के बाद इसमें भी ये स्नेक प्लांट, देखिए ये भी एक चाय का थर्मस है, मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ, चाय का थर्मस है, ये देखिए हैंडल है इसका यहाँ से, तो इसमें भी मैंने ये स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और इसका नीचे ऊपर का मुंह है जो मैंने नीचे कर दिया, और नीचे का है ऊपर कर दिया है, तो यहाँ पे ये काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर स्नेक प्लांट आप देख सकते हैं। तो इस तरह से कोई भी वेस्ट चीज़ हो जाती है उनको हम फेंकने की कोशिश करते हैं तो फेंके नहीं, और अपने गार्डन में इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए केटली है मेरे पास, केटली मैंने नीचे अपने फ्रिज पर रखी हुई थी, और मैं अब यहाँ पर अपने ऊपर ले आई हूँ गार्डन में इस तरह से। ये देखिए ये भी एक तेल का डब्बा था, इसको मैंने फेस बना दिया है और पेंट करके फेस बनाया इस तरह से, और इसमें मनी प्लांट लगाया हुआ है इस तरह से। छोटे से छोटे आप ये हमारे पास डब्बे वेस्ट ही हो जाते हैं, छोटे छोटे ये इसमें सब्जी वगैरह जो हम मंगवा लेते हैं बाहर से, तो इस तरह से वेस्ट ही हो जाते हैं, तो इनमें हम प्लांट लगा सकते हैं। और ये देखिए इसके अंदर है स्पाइडर प्लांट, स्पाइडर प्लांट का रनर्स मैंने रखा हुआ है, और ये पॉट आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है, इस पर मैंने ऑयल पेंट किया हुआ है, और ये ब्लैक डॉट्स मैंने यहाँ पे एक्रेलिक के दिए हुए हैं। तो इस तरह से आप ये इस तरह से लगाएंगे, और कुछ टाइम बाद ये काफ़ी बड़ा ये प्लांट हो जाएगा तो काफ़ी सुंदर लगेगा। इसको आप हैंग भी कर सकते हैं रस्सी बांध के, नहीं तो फिर आप इस तरह से ऐसे भी रख सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा ये प्लांट लगेगा। और ये देखिए यहाँ पर मैंने इसी तरह से यहाँ पर मैंने ये पन्नी हमारे पास रह जाती है जो प्लांट लाते हैं नर्सरी से, उसके बाद ये वेस्ट हो गई थी, इसमें मैंने ये कोलियस की कटिंग्स लगाई है, अभी लगाई है। और ये मेरे पास हुक्का है, जो हुक्का पीते हैं हमारे बुज़ुर्ग लोग, इसके अंदर ये स्नेक प्लांट्स लगाए हुए हैं, ये पत्ती से भी ग्रो हो जाता है स्नेक प्लांट। तो इस तरह से कोई भी आप चीज़ वेस्ट हो जाती है तो उनका हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, तो छोटे छोटे से पॉट्स में भी लग जाते हैं, बड़े पॉट्स हमें ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हम बड़े पॉट्स ही खरीदेंगे तभी हम प्लांट्स लगाएंगे। अगर मन में इच्छा है तो आप इस तरह से प्लांट अपने गार्डन में लगा सकते हैं, अगर इच्छा नहीं है मन नहीं करता है तो फिर आप कोई भी बहाना लगा सकते हैं कि हमारे पास पॉट नहीं है, हमारे पास डब्बे नहीं, हमारे पास पेंट नहीं है। अगर मन में इच्छा है तो आप किसी भी तरह से करके उनको प्लांट को आप लगा लेंगी, अगर इच्छा नहीं है तो फिर आप नहीं लगा सकते हैं। तो फ्रेंड ये है छोटी सी वीडियो थी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलूंगी ऐसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।